शायद इनको शर्म आ रही हो ऐसी बातें पूछते हुए, नाम इसलिए हाईलाइट नहीं किया। खैर, शदीद तकाजा ना भी हो तो भी बैतुल खला अज़ान के वक्त जा सकते हैं, तकाजा होना चाहिए बस, बगैर तकाजे के तो मेरा ख्याल है नहीं जाएंगे आप। गुजरात में तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता होगा इंडिया में, गुजरात में कि बगैर वजह के जा रहे हैं, और अगर तकाजा है तो शदीद ना भी हो तो भी अजान के वक्त वॉशरूम जा सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और शदीद तकाजा हो फिर तो लाजमी जाएं। आप समझ रहे होंगे शदीद तकाजे के वक्त अगर हम बैतुल खला चले गए तो अजान की बेदगी है। तो जनाब गुजराती भाई, आप ये देखो कि अगर शदीद तकाजे के वक्त आप बैतुल खला ना गए तो अजान की किस कदर बेअदबी होने का खतरा है, ये आप खुद सोच सकते हैं। क्या म्यूजिक वाली नात सुन सकते हैं? म्यूजिक वाली नात जिसके पीछे म्यूजिक लगा हो, आजकल बिल्कुल गाने बजाने के तर्ज पे मौसीकी की धुनों के साथ नाते आ रही हैं तो नहीं सुननी चाहिए ये, इसमें नात की बहुत ज्यादा बेअदबी है।